यकम अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो अब दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, जिसने दुनियाई क्रिकेट में अपने जारहाना बैटिंग से अपना लोहा मनवाया और करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लिया। ये कोई आम बंदा नहीं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो अजीम सितारा है जो दुनिया भर के नामी गिरामी बॉलर्स को अपने लंबे लंबे छक्कों से दिन में तारे दिखा देने का हुनर अच्छी तरह से जानता है। आसिफ अली द पावर हिटर है, आजकल क्रिकेट शायकीन इसे इसी नाम से जानते हैं। आसिफ अली एक ऐसा बैट्समैन है जो मुश्किल वक्त में अपनी टीम को जीत दिलाने का हुनर जानता है। आसिफ अली ने साल 2018 में पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की, मगर आसिफ अली को असल शोहरत तब मिली जब T20 वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत के तोहफे से नवाजा। इसी सीरीज में आसिफ अली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बेहतरीन बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीत से हमकिनार किया। अब एशिया कप 2022 में भी आसिफ अली अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से शायकीन क्रिकेट को लुत्फंदोज कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि आज हम सबका हीरो आसिफ अली इस मकाम पर कैसे पहुंचा? इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अगर नहीं तो आज हम आपको आसिफ अली के मुकम्मल हालात जिंदगी बताएंगे, जिन्हें जानकर आपको यकीनन हैरत होगी। मगर इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आसिफ अली की पैदाइश एक गरीब खानदान में हुई, मगर गुर्बत के बावजूद आसिफ अली का हौसला किसी बुलंद वाला पहाड़ से कम नहीं था। इसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क और कौम का नाम रोशन करूं। मगर गुर्बत की चक्की ने आसिफ अली को एक फैक्ट्री मुलाजिम बनने पर मजबूर कर दिया, जहां आसिफ अली बतौर क्वालिटी इंस्पेक्टर काम करते थे। सख्त लोहे ने आसिफ के हाथों को भी लोहा बना दिया। जब इसी लोहे से मजबूत हाथों ने बल्ला पकड़ा तो छक्कों के अंबार लगा दिए। आसिफ अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे बचपन से क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था, लेकिन मुलाजमत की वजह से जिस दिन छुट्टी होती सिर्फ उसी दिन ही मैच खेल पाता, बाकी दिनों में प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता था, क्योंकि फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद जब मैं ग्राउंड में जाता तो प्रैक्टिस का वक्त खत्म हो चुका होता था। आसिफ अली बताते हैं कि एक मर्तबा मिसबा भाई ने वन डे टूर्नामेंट में खेलने के लिए मुझे सोई नॉर्दर्न गैस की टीम में मौका दिया। मैं अपनी फैक्ट्री के मालिक को बताए बगैर चला गया। जब एक महीने बाद वापस आया तो उसने पूछा कि इतने दिन कहाँ गायब थे। मैंने बताया कि क्रिकेट खेलने गया था और उन्हें ये भी बताया कि मैं मिसबाह हक और मोहम्मद हफीज जैसे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ खेल कर आया हूँ, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं, आप क्रिकेट खेल लो या फिर नौकरी कर लो। मैंने मालिक से कहा कि मुझे सोचने के लिए एक दिन दे दें, फौरी तौर पर मुलाजमत से ना निकालें। फिर मैंने काफी सोच विचार के बाद फैसला किया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर मिसबा भाई ने मुझे सिलेक्ट किया है तो मुझ में कुछ टैलेंट है, तभी उन्होंने ऐसा किया होगा। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो मैंने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि जिस दिन मेरा मैच हो उस दिन मुझे छुट्टी दे दें और उस दिन की तनख्वाह भी ना दें, लेकिन वो ना माने, लिहाजा मैंने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद कुछ अरसा मैं टैप बॉल क्रिकेट खेलकर पैसे कमाता रहा। कभी किसी ने 1000 रुपए दे दिए तो किसी ने 1500 रुपए, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ बड़ा करने का शौक था, मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। मुझे पहला चेक 55,000 का मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि उस वक्त मेरी महाना तनख्वाह 5,000 रुपए थी। मैं चेक जेब में डालकर सो गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं गुम ही ना हो जाए। मुझे होंडा 125 मोटरसाइकिल खरीदने का शौक था। 50,000 में मैंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद ली जिस पर मैं मैच खेलने जाया करता था। इससे पहले मेरे पास यामाहा मोटरसाइकिल थी जिसे मेरे दादा ने खरीदा था। एक दिन मैं मैच खेलने गया, वापस आया तो मेरे भाई ने वो मोटरसाइकिल कबाड़ में 5,000 रुपए में बेच दी थी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस मोटरसाइकिल की क्या हालत होगी। एक ऐसा टाइम था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, पैदल ही फिरता था। मैं फैसलाबाद के क्लब के खिलाफ मैच खेल रहा था। उस वक्त सीजन के टॉप साफ प्लेयर्स थे जो फैसलाबाद के एक ही क्लब में खेलते थे। मैं उनके खिलाफ फाइनल मैच खेल रहा था। मैं फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मैच खेलने चला गया।
मुखालिफ टीम ने 132 स्कोर बनाए थे। मैं और सलमान बट ओपनर्स गए। 132 में से सलमान का सिर्फ 9 स्कोर था और बाकी मेरा था। हमने 10 ओवर्स में मैच पूरा कर दिया था। सलमान और एजाज भाई के अल्फाज थे कि क्रिकेट तो तुम खेलते हो, हमें तो खेलनी ही नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मैं तो काम से आया हूँ, मेरे तो हाथ भी गंदे हैं। वो कहने लगे क्रिकेट तू खेलता है, हम तो बस ऐसे ही हैं, हमें शर्म आ रही है, तुम तो दलेरी से क्रिकेट खेलते हो। आसिफ ने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि दलेरी किसे कहते हैं। जब एजाज भाई रिटायरमेंट के बाद फैसलाबाद के कोच बने तो मिसबा उल हक से कहा कि उस लड़के को एक मैच खिला दे, तो मैं अपने कानों से सुन रहा था कि मिसबा भाई ने कहा अगर पहला ओवर स्पिनर को मिल गया फिर तब मैं स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकता था, लेकिन मैंने अब कवर कर लिया है। तो एजाज भाई ने कहा कि अगर इसने कुछ ना किया तो मैं इसे वापस भेज दूंगा। मैंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी मार दी तो उस वक्त के बाद मिसबा भाई मुझे साथ लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये उसी आसिफ की कहानी है जो अब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का अहम बैट्समैन है, जिसकी मौजूदगी करोड़ों क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है। जिसके पास कभी पैसे नहीं होते थे, आज उसकी महाना इनकम करोड़ों में है। जिसके पास कभी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, आज उसके पास करोड़ों रुपए की ऑडी कार है। आज यही आसिफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैनों में तीसरे नंबर पर है। बेशक ये सब कामयाबी आसिफ अली की अनथक मेहनत का नतीजा है। बेशक खुदा मेहनत करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। जी तो नाजरीन, आसिफ अली के हालात जिंदगी पर मबनी ये मुनफरद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी आसिफ अली के फैन हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।